ये जो क्षेत्र है चंदौली का, उसने दो बड़े नेता देश को दिए हैं। एक तो हमारे मोदी जी का एक कर्म भूमि है और रक्षा मंत्री राजनाथ जी का जन्मभूमि भी यही है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत उपजाऊ जमीन है भाई। फिर से एक बार चंदौली की भूमि के लिए जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए जरा। चंदौली वालों, देश में 6 चरण का चुनाव हो चुका है। मेरे पास 5 चरण का परिणाम है, जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बना चुके हैं। और ये 6ठे और 7वें ने 400 पार कराना है, 400 पार भी कराना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाना। तो चंदौली वालों, बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? भाई कैसे बनाओगे? यहां तो हमारे पंडित जी खड़े, पांडे जी खड़े, मोदी जी तो काशी से खड़े हैं। मैं बताऊं रास्ता? देखो, महेंद्रनाथ पांडे के सामने कमल का निशान है। एक कमल के निशान पर बटन दबाते ही पांडे जी को दिया हुआ वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आज मैं कुछ सीधे सवाल करने आया हूं। चंदौली वालों बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये राहुल बाबा और कंपनी हमें डराती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को न मांगिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम। अरे राहुल बाबा, आप इस देश को नहीं जानते हो। ना चंदौली वाले डरते हैं, ना भाजपा वाले एटम बम से डरते हैं। भाइयों बहनों, मैं चंदौली की पवित्र भूमि पर कहकर जाता हूं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ये थे जिन्होंने धारा 370 को समाप्त कर दिया। ये राहुल बाबा उस वक्त भी संसद में मुझे डराते थे, कहते थे 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश बाबू का समर्थन था, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर चले जाते, कोई जवाब देने वाला नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी आए, फिर से उरी और पुलवामा में हिमाकत किए, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, देश भर की जनता नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए तैयार बैठी। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है, मोदी जी 400 पार करने वाले हैं, और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं, 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना ना आए आंगन टेढ़ा, भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको, ये मेरे चंदोली के शेर हराने वाले हैं, शेर हराने वाले। भाइयों बहनों, किस किस के बीच में लड़ाई है? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले, एक गमंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड बैंकॉक जाने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको यहाँ का मौसम ठीक नहीं लगता भाई, थोड़ी गर्मी लगती है वो विदेश चले जाते हैं। ये चंदोली वालों को देखो, इतनी चिलचिलाती धूप में सर पर गमछा डालकर आकर खड़े हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है 23 साल से एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और है परिवारवादी लोग, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा और अखिलेश, दो शहजादे, और दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर पर पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र। भाइयों बहनों, ये दोनों के बीच में आपको पसंदगी करना है। भाइयों बहनों, एक और, समाजवादी पार्टी कांग्रेस, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में पसंदगी। 70 साल से राम मंदिर को एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रोक कर बैठे थे, नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये दो खेमे हैं, अखिलेश के खेमे के वोट दोगे या नरेंद्र मोदी के खेमे को? जोर से बोलो। चंदोली वालों, इनके पास कोई नेता नहीं है। मैं आज पूछता हूं, अगर ये जीत जाते हैं तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नाम कोई बता सकता है? है कोई नाम? मैं एक एक कर पूछता हूं, शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी, उद्धव जी, स्टालिन, अब हंसना मत हो युवाओं, जरा भी मत हंसना, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे इनके पास कोई नेता ही नहीं। जब इनको पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो कहते हैं बारी बारी 5 साल एक 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 बनेंगे। बोले ऐसे देश चल सकता है क्या? चल सकता है? मुझे बताओ भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कोरोना से कौन बचा सकता है?
गरीब के घर में गैस का चूल्हा कौन पहुंचा सकता है? गरीब को घर कौन दे सकता है? गरीब को 5 लाख तक की दवाइयां कौन दे सकता है? गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त कौन दे सकता है? गरीब के घर में शौचालय कौन दे सकता है? मैं जहां पर भी जाता हूं देश में, यही आवाज मोदी 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 सुनाई पड़ती है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी का ये नारा देश के विकास के नारा बना है। भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने वाले लोग अभी अभी ये सहारा का चलाते हैं। मुझे बताना चंदौली वालों, सहारा का स्कैम सपा के काल में हुआ या भाजपा के? जोर से बोलो, किसके काल में हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने तो रुपया वापस करने की शुरुआत करी। अब तक 5,000 करोड़ रुपया वापस दे चुके हैं और मैं वादा करता हूं 83 करोड़ लोगों को देश भर में सहारा की पाई पाई वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया, नक्सलवाद को समाप्त किया और उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाया। मुझे बताओ, सपा के शासन में हर जिले में एक गुंडा था या नहीं था? अरे जोर से बोलो, था या नहीं था? अब दिखाई पड़ता है कोई? हमारे योगी जी ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया है और एक जिला एक गुंडे के सपा के फॉर्मूला को बदलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को योगी जी लाए हैं, उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम किया है। पहले जहां कट्टे बनते थे, अब तोप के गोले बन रहे हैं। मैं बताता हूं, ये पाकिस्तान सीधा न रहा ना, तो हमारे उत्तर प्रदेश से गोले से इसकी खबर ली जाएगी। भाइयों बहनों, गाड़ी बनाने की फैक्ट्री, बैटरी बनाने की फैक्ट्री, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज चंदौली में मार्कंडेय मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, गोमती और गंगा के संगम पर पर्यटन केंद्र बन रहा है और मछली पालन का भी बहुत बड़ा काम पांडे जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं देश में जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं हमारे सांसद को मंत्री बना दो। कहते हैं तो कुछ बुरा कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताता हूं, मोदी जी ने तो आपको बना बनाया मंत्री सांसद के रूप में भेजा है। मुझे बताओ, महेंद्रनाथ पांडे को जिताओगे क्या? अरे भाई ऐसे नहीं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।